छात्र संगठन SFI द्वारा आज राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। आज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। शिमला जिला के SFI सचिव बंटी ठाकुर ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बार PG कोर्स के लिए बच्चों की एडमिशन मेरिट बेस पर करवाने का फैसला लिया है, जो कि गलत है, और केवल 3 ही कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई गई थी। ऐसे में अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय में PG कक्षाओं के लिए सभी विषयों की प्रवेश परीक्षा करवाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दाखिले के लिए बच्चों से फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें की भारी भरकम फीस वसूली गई है, और ऐसे में अब जो प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा नहीं करवाने का फैसला लिया है तो छात्र संगठन ने यह मांग रखी है कि बच्चों को एकत्रित धनराशि वापस दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कोरोना काल में भी बच्चों से भारी भरकम हॉस्टल फीस वसूली जा रही है, जबकि लंबे समय से हॉस्टल बंद है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि प्रशासन ने कोरोना संकट काल में छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो आने वाले समय में SFI उग्र आंदोलन करेगी। मैं बंटी ठाकुर, शिमला जिला SFI सचिव। आज ये धरना प्रदर्शन जो जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर हम लोग कर रहे हैं, हम बहुत समय से SFI मांग कर रहे हैं और हम छात्र भी मांग कर रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन का प्रोसेस होना चाहिए, बेस होना चाहिए, वो एंट्रेंस बेस पे होना चाहिए। इसके बावजूद प्रदेश विश्वविद्यालय ने 3 सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब्जेक्टों का मेरिट बेस पे एडमिशन करवाई है। अब हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि जो LLM और MPhil की जो सीटें हैं उनकी एडमिशन एंट्रेंस बेस पे होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश विश्वविद्यालय बहुत लंबे समय से एक राग लाती आ रही है कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर क्वालिटी एजुकेशन की अगर बात करें तो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो प्रदेश विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन निकाली है कि इस साल हम जो एडमिशन होगी वो एंट्रेंस बेस पे होगी, उसके लिए स्टूडेंटों से 700 रुपए फीस जो कलेक्ट की गई उस फीस को आप वापस करिए, क्योंकि 17,000 जो स्टूडेंट है जिन्होंने अपने एंट्रेंस फॉर्म जमा करवाए उनकी फीस विश्वविद्यालय प्रशासन को वापस करनी चाहिए। और उसके साथ साथ BEd के अंदर हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार ये बोल रही 96,000 फीस उन स्टूडेंटों से ली जा रही है और GST 1,08,000 फीस उनसे ली जा रही है, और उसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ हॉस्टल के अंदर हम देखते हैं तो हॉस्टल से हमने कंटिन्यूशन फीस ली जा रही है, जब हॉस्टल के सोर्सेज का हमने इस्तेमाल नहीं किया है। हम हॉस्टल के अंदर जब अप्रैल से स्टूडेंट नहीं रह रहा है उसके बावजूद किस बात को लेकर कंटिन्यूशन फीस स्टूडेंट से ली जा रही है। इन तमाम एक दौर में ऐसा होना चाहिए था, इस कोरोना काल के अंदर जहां होना ये चाहिए था कि स्टूडेंटों को आर्थिक कुछ रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश विश्वविद्यालय और प्रदेश सरकार छात्रों की जेब में डाका डाल रही है और मनमाने तरीके से स्टूडेंटों से फीस वसूल रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर SFI आंदोलन कर रही है। अगर आने वाले टाइम में ये इन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हाल ही में 3-4 दिन पहले हम DS साहब से भी मिले थे, उन्होंने ये बोला है कि मीटिंग के बाद इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि स्टूडेंटों की फीस वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर ये फीस वापस नहीं होती है तो SFI आने वाले टाइम में उग्र आंदोलन करेगी।